दोस्तों, मैं शिवानी आज के इस कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे भ्रामरी प्राणायाम के बारे में। भ्रामरी का क्या क्या अर्थ होता है, भ्रामरी करके हम क्या क्या लाभ पा सकते हैं और इसकी क्या क्या सावधानियाँ होती हैं और इसकी पूरी विधि कैसे की जा सकती है, और पूरी विधि के बारे में जानने के लिए हम चलते हैं हमारे ओमकार देव जी के पास। भ्रामरी शब्द का जो अर्थ होता है, भ्रामरी उस ध्वनि को कहते हैं जब भंवरे गुंजन करते हैं। तो इसके क्या क्या लाभ होते हैं गुरुदेव? नींद ना आने की समस्या में, सर में दर्द रहना, माइग्रेन, इन प्रकार की समस्याओं में इसका अभ्यास विशेष रूप से लाभ करता है। तो चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। जी, भ्रामरी के अभ्यास के लिए अपने स्थान पर पीठ गर्दन को सीधा करके बैठ जाएंगे। इस अभ्यास में पहले षणमुखी मुद्रा बनाई जाती है। षणमुखी मुद्रा में अपने शरीर के सात द्वारों को बंद किया जाता है। पहली दो उंगलियों से आँखें कोमलता से बंद करेंगे और उसके ऊपर इस प्रकार से पहली दो उंगलियां रख देंगे। दूसरी दो उंगलियां नाक के ऊपर, नाक को बंद नहीं करेंगे, केवल इसके ऊपर रख देंगे। तीसरी दो उंगलियां ऊपर वाले होंठों के ऊपर, चौथी दो उंगलियां नीचे वाले होंठ के ऊपर, और दोनों अंगूठों से अच्छी तरह से कान को बंद कर देंगे। यह है षणमुखी मुद्रा।